लोगों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा नागपुर में 9 फरवरी से ही टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया से हार कर आ रहे 2-1 से, तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा इंडिया से उसी के घर पे बदला ले, पर क्या इंडिया ऐसा होने देगा उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अभी बात करते हैं कैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड प्रेडिक्टेड टीम 11 कैसे है दोनों टीम्स का, और मैं आपको बताऊंगा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिससे आपका मैच देखने का मजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑस्ट्रेलिया 21 टाइम्स जीता इंडिया, 13 टाइम्स जीता है ऑस्ट्रेलिया, 15 टेस्ट मैचेस में है ड्रॉ और एक मैच टाई। मैच खेला जाएगा नागपुर में। अगर यहाँ की पिच की बात करें तो स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलता है एज कम्पेयर टू पेसर्स, तो आपको इस मैच में स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स दैट दीस फॉलोइंग प्लेयर्स वुड अचीव इन दिस मैच। विराट कोहली रिक्वायर्स जस्ट 64 रन टू कम्प्लीट 25,000 रन अक्रॉस फॉर मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 100 विकेट्स कंप्लीट करने के लिए नेथन लायन को चाहिए सिर्फ 6 विकेट्स। टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट्स कंप्लीट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को चाहिए सिर्फ 1 विकेट। रविंद्र जडेजा रिक्वायर्स जस्ट 1 विकेट टू कंप्लीट 50 विकेट्स इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एट होम। मोहम्मद सिराज रिक्वायर्स जस्ट 4 विकेट्स टू कंप्लीट 50 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। टीम इंडिया की तरफ से पहले टेस्ट मैच में प्लेयर टू वॉच आउट करें रविचंद्रन अश्विन। अभी मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं ऑस्ट्रेलिया कितना घबराया हुआ है अश्विन से। नागपुर की पिच है, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो आप समझ ही सकते हो रविचंद्रन अश्विन कितनी बड़ी खतरे की घंटी बनने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट पर है स्टीव स्मिथ। धमाकेदार फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े मैचेस में जीत दिला चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को इनसे काफी उम्मीद होगी। इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो प्लेयर्स पार्टी स्टीव स्मिथ वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। स्टीव स्मिथ ने रविचंद्रन अश्विन की 694 बॉल्स को फेस करे, 412 रन किए इन 6 टाइम्स। रविचंद्रन अश्विन गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। डेविड वार्नर वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। डेविड वार्नर ने रविचंद्रन अश्विन की 385 बॉल्स को फेस करे, 182 रन किए और 10 बार रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। चेतेश्वर पुजारा वर्सेस पेट कमिंस। चेतेश्वर पुजारा ने पेट कमिंस की 600 बॉल्स को फेस करे, 172 रन किए इन 7 टाइम्स। पेट कमिंस गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। और अब देखते हैं टीम इंडिया का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। कैप्टन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, फॉलोड बाय चेतेश्वर पुजारा, उनके बाद नंबर आता है विराट कोहली का, फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव या फिर केएल राहुल, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी या फिर जयदेव उनादकर, इन दोनों में से भी कोई एक आपको खेलता हुआ दिखाई देगा प्लेइंग 11 में। इंडिया के बाद अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे है। डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करेंगे उस्मान ख्वाजा, फॉलोड बाय मानस अभिषेक, उनके बाद नंबर आते हैं स्टीव स्मिथ का, फिर आएंगे ट्रेविस हेड, पीटर हैंडसकॉम, एलेक्स केरी, कैप्टन बेन कमिंस, स्कॉट बॉलेट, नेथन लियॉन, जॉर्ज मर्फी या फिर मिचेल स्विप्सन, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। तो गाइस मैंने आपको बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 माइलस्टोन्स प्लेयर्स बैटल पिच रिपोर्ट। आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में कौन जीतेगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया ना तो वैसे करो कराओ, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।